you taken a treatment from me as a non-medical treatment that was very very difficult for the other people. For me it was very simple. आप मुझे क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, एक शॉर्ट में बढ़िया से वीडियो दीजिए। नमस्कार, मैं सौरभ दंगरे। मैं अभी सर के पास में ट्रीटमेंट कराया। जस्ट एक्चुअली मेरे को 2 साल पहले से प्रॉब्लम था कि मुझे कम आवाज सुनाई आ रही थी। उस बिटवीन मेरा ऑपरेशन भी हुआ था लेकिन उसमें अभी क्योर नहीं हुआ। अभी जस्ट मैं ट्रीटमेंट करके बाहर निकला हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे पहले से तो बहुत अच्छा मुझे सुनाई आ रहा है। और आशीर्वाद के इसमें मैं ये कहूँगा अपने हिसाब से, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा कोई भी आता है या फिर कहीं मैं हॉस्पिटल के सामने गुजरता हूँ, कहीं सिटी में कहीं रहता हूँ, तो उनको भी खुद जाके उनको बोलूँगा कि आपके सर का एड्रेस दूंगा, यहाँ आप जाइए और मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ जो आपको मैं ये ब्रीफ कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पर विश्वास रखेंगे तो आप मेरे सर के पास जाइए और आप अपने लिए अच्छे होके आइए। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे लगता है मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू अगेन, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू अगेन एंड अगेन। इम्प्रूवमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन किसी भी चीज को अगर एक छोटी सी बात है, कोई भी चीज काफी टाइम से अगर खराब है उसे ठीक करने में टाइम को लगता ही है। सच बात है, कन्फर्मेशन लेने में भी टाइम लगता है। दिला ठीक भी हो जाए तो मन में लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर पैसा रखे तो मुझे लगता है कि 100% हो जाएगा। सही बात डॉक्टर साहब, मैं सच बताऊं, मुझे आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग विथ यू एंड ट्रीटिंग यू। आपकी ट्रीटमेंट देके मुझे प्राउड क्यों हो रहा है? एक तो आप पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, और ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट करके कान को ठीक करना जो समझदार हो, टेक्नोलॉजी समझते हो और समझदारी पूर्वक ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर कन्फर्मेशन देते हो कि सुन रहा है, तब हमारा ये जो विज्ञान है या हमारी बहरापन की मुहिम है बहरापन मिटाने की, वो सफल होती है। आई होप के थैंक यू सर। आप दिल्ली में कोई भी काम हो, कैंप लगाना हो और कोई काम हो, प्लीज कॉल अस, हम आएंगे सेवा में। और डेफिनेटली स्कूलों में करना हो तो फ्री ऑफ चार्ज करके दूंगा।